और ये बीजेपी के लोग देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए हम समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग मिलकर बीजेपी को हराना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं और देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी का मन दिल बहुत बड़ा है और जो निरहुआ जी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, इनको सम्मान देने का भी अगर किसी ने शुरुआत की थी, पहला किया था, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह आश्वासन दी थी। संगी बेल्ट में बड़ी परेशानी है, सपा के विधायक को लेकर लोग कहते हैं कभी आते नहीं है। आदरणीय राष्ट्र नेता जी ने पूरे जीवन जिस पार्टी से लड़ाई लड़े हों, संघर्ष किए हों, उस पार्टी के दिन रात गुणगान करने वाले लोग अगर नेताजी का उत्तराधिकारी अपने को कहते हैं तो ये लोगों के लिए व्यंग्य हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 10 साल अंजमा लिए हैं, 10 साल में जितने झूठे वादे हो सकते थे वो वादे देख लिए, जितनी बातें ही कर सकते थे, जितने नारे दे सकते थे, सारे चीज़ें देख ली जनता ने, लेकिन सब कुछ जुमला निकला, कुछ हकीकत में नहीं। तो इस बार क्या तैयारी है आपकी, किन बिंदुओं पे आप काम कर रहे हैं, जो पिछली गलतियां हैं उसको ताकि दोहराया ना जाए, और जैसा कि आप जनता से उम्मीद कर रहे हैं, जनता की उम्मीदों पे आप खरे उतरे और आपकी उम्मीदों पे जनता खरे उतरे। विपक्षी जो सांसद हैं उनके बड़े आरोप हैं, 3 दिन वाला नेता आपको कहा है, इस पर आपका क्या कहना है? जिस हवाई पट्टी को प्रधानमंत्री जी खुद आके उद्घाटन कर रहे हैं, ये 2007 में सदी नेताजी की सरकार में बन चुकी थी। 2012 का चुनाव, 2014 का चुनाव, सटियाओं की शुगर मिल का उद्घाटन। दो हजार चौबीस के चुनाव का आरंभ है और आरंभ प्रचंड है। देश के साथ साथ आजमगढ़ में भी चुनावी गदर कटा हुआ है। ऐसे में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। इनसे हम बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। इस चुनावी समर में तमाम दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि अब की बार 400 पार, तो कोई कह रहा है कि 400 आ गया तो संविधान बदल देंगे, तो कोई कह रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो संविधान बदल देगी, संविधान का खतरा उत्पन्न हो जाएगा संविधान पर। तो हम लोग सीधा धर्मेंद्र यादव जी से जानते हैं, जो ये तमाम बातें हो रही हैं उस पर इनका क्या कहना है, आप क्या मानते हैं सर कि किस पर खतरा है? देश के संविधान पर खतरा है, और जब संविधान पर खतरा होगा फिर देश में कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि देश की हर चीज़ संविधान के दायरे में आती है। लोकतंत्र भी उसी दायरे में आता है, आरक्षण भी उसी दायरे में आता है, पिछड़ों को हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, स्वाभिमान भी संविधान के दायरे में आता है। इसे संविधान पे खतरा होने का मतलब है समाज के हर एंगल पर खतरा है, और ये बीजेपी के लोग देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए हम समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग मिलके बीजेपी को हराना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं और देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। तो जनता आप लोगों की बात या विपक्ष की बात कितना सुन पा रही है? जनता सुनेगी, क्योंकि 10 साल लोगों ने अजमा लिया, ना अजमाए होते तो मैं शायद इस बात को ना कहता जी। अब 10 साल अजमा लिए हैं, 10 साल में जितने झूठे वादे हो सकते थे वो वादे देख लिए, जितनी बातें ही कर सकते थे, जितने नारे दे सकते थे, सारे चीज़ें देख ली जनता ने, लेकिन सब कुछ जुमला निकला, कुछ हकीकत में नहीं निकला। तो नारे तो फिर भी आ रहे हैं सर कि 400 पार, किस किस बिहार में? इसलिए भरोसा नारों पर अब भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि पुराने नारे ही सच नहीं निकले, तो नए नारों पे कब तक? काठी आंगी बार बार नहीं चढ़ती है, चढ़ गई एक बार। आप आए हैं यहाँ पे, पिछला अनुभव जो है लोकसभा उपचुनाव का काफ़ी ख़राब रहा, तो इस बार क्या तैयारी है आपकी, किन बिंदुओं पे आप काम कर रहे हैं, जो पिछली गलतियां हैं उसको ताकि दोहराया ना जाए, और जैसा कि आप जनता से उम्मीद कर रहे हैं, जनता की उम्मीदों पे आप खरे उतरे और आपकी उम्मीदों पे जनता खरे उतरे? मुझे यकीन है कि लोग ऐतिहासिक तौर पर इस बार चुनाव जिताएंगे। पिछली हार का लोगों ने सबक भी लिया है, पार्टी ने भी बहुत सारी चीज़ों पर मंथन करके इस बार के चुनाव को लड़ रही है, और ये आजमगढ़ की सरजमी समाजवादी सरजमी है। हम लोग बेईमानी से, कुछ अति उत्साह में चुनाव हार गए मामूली वोटों से, लेकिन मामूली वोटों का कोई मतलब नहीं है आज के इस चुनाव में। हालांकि मैं बात तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में बहुत सारी बातें हुई हैं, तो मैं उस पर चाहूँगा कि आपकी तरफ से भी जवाब आ जाए। विपक्षी जो सांसद हैं उनके बड़े आरोप हैं, 3 दिन वाला नेता आपको कहा है, इस पर आपका क्या कहना है? वो विपक्षी सांसद को स्क्रिप्ट बीजेपी के लोगों ने लिख के दे दी होगी। मैं 15 साल बदायूं में रहा, 5 साल मैनपुरी में रहा और अब आजमगढ़ में आया हूँ। जो मैंने मैनपुरी और बदायूं में किया होगा उससे बेहतर और उस अनुभव को लेकर और बेहतर मैं आजमगढ़ के लोगों के बीच करूँगा, ये मैं यकीन भरोसा आजमगढ़ वासियों को दिलाना चाहता हूँ। आजमगढ़ की ये सरजमी केवल कोई मेरे लिए चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये नेताजी की यादों से जुड़ी हुई, नेताजी के दिल के सबसे नज़दीक का ये क्षेत्र रहा है, और स्वाभाविक है जिस क्षेत्र को सदैव नेताजी ने अपने खून पसीने से सींचा हो, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नेताजी के कामों को और आगे बढ़ाया हो, उस क्षेत्र में अगर मैं चुनाव लड़ने आया हूँ
तो बहुत दिल से लोगों की सेवा करने के मूड में आया हूँ। ये लोग जो स्क्रिप्ट वाले लोग हैं, ये जज्बातों को न समझे हैं कभी, न समझ पाएंगे। इनको जो स्क्रिप्ट मिलेगी वही स्क्रिप्ट कहेंगे। एक और स्क्रिप्ट चल रही है, निरवा जी ने कह दिया है कि धरती पुत्र मुलायम सिंह का असली उत्तराधिकारी अखिलेश जी नहीं, मैं हूँ, सैफई परिवार का कोई नहीं बल्कि मैं हूँ, ये क्या है आखिर? वो उनको खुशफहमी रहने में के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, आदरणीय राष्ट्र नेता जी ने पूरे जीवन जिस पार्टी से लड़ाई लड़े हों, संघर्ष किए हों, उस पार्टी के दिन रात गुणगान करने वाले लोग अगर नेताजी का उत्तराधिकारी अपने को कहते हैं तो ये लोगों के लिए व्यंग ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है? कतई नहीं। एक चीज़ और कहा उन्होंने, कहा कि जब कोई दूसरा यादव हेलीकॉप्टर से बैठता है या उससे जब उतरता है तो अखिलेश यादव को तकलीफ होती है। अखिलेश यादव जी का मन दिल बहुत बड़ा है, और जो निरहुआ जी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, इनको सम्मान देने का भी अगर किसी ने शुरुआत की थी, पहला किया था, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह स्वार्थी दी थी। ये अपनी चर्चा को बनाने के लिए नित नई बातें करते हैं। आप उनकी इस बात को क्यों नहीं दोहराते हो कि 2019 के चुनाव में, मैं तो आदरणीय अखिलेश जी के प्रचार में आया था, उस समय इन्होंने बात कही थी कि ब्रह्मा भी मुझे नहीं हरा पाएंगे, ये बात क्यों नहीं पूछते कभी आप लोगों से? और 260,000 वोटों से हारे थे जब उन्होंने पहली बार कहा। हाँ यार, आप भूल गए क्या? हम तो नहीं भूले। नहीं, मैं तो नहीं भूला, मैंने भी वो सारी चीज़ें सुनी। नहीं, सारी चीज़ें सुने नहीं, उनसे ज़रा पूछना कि जब आपकी वो बातें इतनी ख़राब निकली तो अब नई बातों पे कोई यकीन नहीं है। स्क्रिप्ट चाहे जितनी बदल लो, स्क्रिप्ट राइटर चाहे जितने बदल लो, लेकिन अब लोगों को पता है कि ये केवल मंचन हो रहा है, मंच की कलाएं चल रही हैं, इस पर लोगों को अब यकीन नहीं है। लोगों को यकीन इस बात पर है, सदे नेताजी ने आजमगढ़ को मंडल बनाया, लोगों को यकीन इस बात पर है कि आजमगढ़ को PGI दी, लोगों को यकीन इस बात पर है जिस हवाई पट्टी को प्रधानमंत्री जी खुद आके उद्घाटन कर रहे हैं, ये 2007 में सदे नेताजी की सरकार में बन चुकी थी। 2012 का चुनाव, 2014 का चुनाव, सटियाओं की शुगर मिल का उद्घाटन, सटियाओं की शुगर मिल का शिलान्यास के समय मुझे खुद सदे नेताजी और माननीय अखिलेश यादव के साथ आने का मौका मिला है इसी हवाई पट्टी पर पहले। लोगों इन बातों पर यकीन है, लोगों को पता है यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने का काम आदरणीय राष्ट्रीय जी ने किया, लोगों को पता है सटियाओं की शुगर मिल बनाने का काम किया है, लोगों को पता है यहाँ का जिले का अस्पताल बनाया, महिलाओं का अस्पताल बनाया, ये चीज़ें लोगों को पता हैं, कुछ छुपा नहीं। यही जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इससे कुछ किलोमीटर दूर जाके जो दीवारे के हाल में जो बाढ़ आती थी उस बांध को बनाने का आदरणीय राष्ट्रीय जी ने काम किया, वहाँ पर पुल बनाने का काम किया, ये लोगों को यकीन है। ये स्क्रिप्ट पे लोग चलने वाले नहीं, आजमगढ़ लोग बहुत जिम्मेदार, समझदार और राजनीतिक तौर पर बहुत परिपक्व लोग हैं। विधायक जी बगल में खड़े हैं, यानी कि विधानसभा में एयरपोर्ट है, वहाँ पे बहुत आंदोलन हो रहा है लगभग 550 दिन से। कल मैंने सुना था कि आप मिलने जाने वाले थे, और क्या आश्वासन? कार्यक्रम बनाएंगे हम लोग, ऑर्गेनाइज करके जाएंगे, क्या आश्वासन देंगे वो लोग? इतना आंदोलन नहीं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, विधानसभा में लड़ चुके हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पत्र खुद लिखा, हमारे विधायकों ने विधानसभा में लड़ाई लड़ी है, और उन किसानों को मैं कहूँगा आपके माध्यम से, उनकी जितनी भी मांगे हैं, जब तक हम लोग विपक्ष में हम संघर्ष करेंगे, और जिस दिन समाजवादियों को मौका मिलेगा सरकार बनाने का, उनकी मांगों को अक्षरशः मानने का काम समाजवादी लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी सत्ता से काफ़ी दिन से बाहर है, कई साल हो गए, तो कहीं नहीं लगता कि इसका असर चुनाव पे पड़ सकता है? नहीं, कोई असर नहीं चुनाव पे, कोई हम लोग सत्ता के दम पे थोड़ी लड़ते हैं, चुनाव तो जनता के दम पे लड़ते हैं, जनता हमारे साथ है, वो कनेक्टिंग है अभी खत्म, बिल्कुल है और रहेगी। और विधायक जी क्या कहना चाहेंगे, आज आपने मंच से हुंकार भरा है बराबर की? पहले तो आपके माध्यम से मैं पूरे गोपालपुर की जनता का धन्यवाद देता हूं, और सांसद जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि सांसद जी यहां पे आकर जनता के बीच में उन्होंने जोश भरने का काम किया, और आपको मालूम है कि इससे पहले भी गोपालपुर ही फतह थी, इस बार गोपालपुर चारों विधानसभा में लीड देकर जीत की शुरुआत ही कहीं मुकाबला नहीं, गोपालपुर का कभी किसी से मुकाबला नहीं रहता, गोपालपुर नंबर एक था, और इंशाल्लाह गोपालपुर की जनता इस बार भी नंबर एक ही रखेगी। आखिरी सवाल आपसे, सकरी बेल्ट में बड़ी परेशानी है सपा के विधायक को लेकर, लोग कहते हैं कभी आते नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सगड़ी में हमारे लोकप्रिय विधायक नहीं, जनता के बीच अगर हम लोग जाएंगे, कोई बात होगी तो उसका समाधान करेंगे, बहुत लोकप्रिय विधायक हैं, और मैं समझता हूँ बहुत जिम्मेदार डॉक्टर और पार्टी के कैडर, पार्टी के विधायक, बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी आदरणीय अचिन पटेल साहब। इस बार जनता से क्या क्या उम्मीद है? यही उम्मीद है कि सदे नेताजी को का ये धड़कन माना जाने वाला क्षेत्र, जिसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत मेहनत के साथ भी सींचा है, उस क्षेत्र के लोगों से ये उम्मीद और अपेक्षा करता हूँ कि मुझे अपना आशीर्वाद दें, और मैं कोशिश करूँगा उनकी हर उम्मीद को पूरा कर सकूँ।
और पार्टी ने भी जो उम्मीद लगाई है यहाँ से लेकर संसद तक, सारी उम्मीदों को मैं पूरा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।